दोस्तों आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज का द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो इसमें थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी की बात आई है, तो थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी मैं आपको बता दूं, जैसे थ्री टर्म्स ऑफ अ एपी ऑफ एन एपी, तीन टर्म्स एपी की होती हैं, ए माइनस डी ए ए प्लस डी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आगे की हमें डायरेक्शन मिलेगी। ये थ्री नंबर्स एपी के हैं, थ्री नंबर्स इन एनएपी या थ्री टर्म्स कहें अपन, यही की यही चीज़ें हो जाती हैं थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी कहेंगे या फिर थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी कहेंगे, एक ही चीज़ है। और यहाँ माइनस होता है, यहाँ अपॉन हो जाता है, ए बाय आर ए ए आर। और यही अगर फोर टर्म्स हो या फोर नंबर्स हो, तो याद रखिएगा फोर नंबर्स इन ए पी, ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। इसमें टू डी का डिफरेंस होता है, देखिए ये टू डी का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक में 2D का डिफरेंस है, इसमें इसमें 2D का डिफरेंस है, इसमें इसमें 2D का डिफरेंस है, और यहाँ इसमें कितने का डिफरेंस है, D का। वैसे ही फोर नंबर्स फोर टर्म्स या फोर फोर टर्म्स ऑफ अ जी पी, जी पी के फोर टर्म्स होंगे A अपॉन R क्यूब A बाय R, जैसे इसमें माइनस है तो वही चीज़ अपॉन में आ जाएगी, A बाय R क्यूब A बाय R ए आर और ए आर क्यू। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको थ्री टर्म्स ऑफ अ जी पी दिया है, मतलब तीनों नंबर्स किस तरीके से लेना है, हमें इस तरह से लेना है। और क्या गिवन है, वी आर गिवन देयर सम इज, तो सल्यूशन ऐसे स्टार्ट करेंगे कि लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, मान लिया कि नंबर्स क्या हैं, नंबर्स बी ए अपॉन आर ए ए आर, नंबर्स ये हैं। और कंडीशन वन है देयर सम इज गिवन, देयर सम इज 39/10, देयर फोर ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। और प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना होगा, ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको, देखो प्रोडक्ट दिया है आपको वन, इसको नंबर वन दे देते हैं, तो ये आर आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ए क्यूब इज इक्वल टू वन, देयर फोर ए इज इक्वल टू वॉट, ए इज इक्वल टू वन, बिकॉज इसको भी वन क्यूब लिख सकते हो आप। तो ए की वैल्यू अब रखेंगे हम दोस्तों किस में रखेंगे, नंबर वन में, सो देट आपको आर की वैल्यू मिले। और ये जो मैंने बेसिक बात बताई है, ये आप अपने डायरी में नोट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। तो आप देखिए ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं वन में, पुटिंग ए इज इक्वल टू वन इन वन, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू वन किस में सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, वन में। तो आप भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साथ साथ, वन बाय आर प्लस वन आर इज इक्वल टू 39/10, इधर एलसीएम ले लेंगे आप तो ये आ जाएगा आर वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 10 इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको ओपन कर देंगे, तो सबसे पहले लिख देते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है आपका 39 आर। अब 39 आर को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास ऐसा आ जाएगा 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 39 आर प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए 10 आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 10 आर में से 39 आर गए, तो ये माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो।
10 इंटू 10 कितना है 100, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर देते हैं, 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 5R कॉमन, 5R कॉमन, तो ये जाएगा 2R माइनस 5 माइनस, इससे क्या कॉमन आ रहा है आपका 2, तो ये हो जाएगा 2R माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2R माइनस 5, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 5R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोस्तों इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो R की वैल्यूज आ जाएंगी, तो R की वैल्यूज आ जाएंगी। अब तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जो आपके पास A और R की वैल्यूज है, तो A और R की वैल्यूज के लिए पहले इनको इक्वेट कर दें, 2R माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कॉलम जिसमें 5R माइनस 2 इक्वल टू 0, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5/2, इससे R की वैल्यू हो जाएगी 2/5। तो आपके दो आंसर होंगे, एक आंसर इसके लिए और दूसरा आंसर दूसरे R के लिए, एक आंसर इस R के लिए दूसरा इसके लिए। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू दोनों केस में 1 है क्योंकि A कॉमन है, तो A कॉमन है तो ये दोनों के लिए 1 होगा। अब आपका आंसर, आंसर लिखने के पहले नंबर्स क्या थे आपके, A बाय आर, A ए आर, A बाय आर, A ए आर। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें अपन, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो A की जगह आ जाएगा 1/5/2 कॉमा 1 कॉमा 1 इंटू 5/2। यहाँ देखिए 1/2/5 1 1 इंटू 2/5। अब इसको क्या करें, तो ये अपॉन के अपॉन में, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 कॉमा, दूसरा देखिए 1 है, तीसरा है 5/2, यहाँ पे ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 1, 2/5, और ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। आप देखो 2/5 1, 5/2, और उसमें उल्टा है, तो ये दोनों ही आंसर हैं आपके, ये बन गया आपका आंसर। दीज आर द नंबर्स, ये तीनों नंबर्स हैं जो आपका आंसर हैं। तो ये देखा आपने, इस तरीके के और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और वही हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और मेरी बेस्ट विशेस हैं, विश यू ऑल द बेस्ट।